दोस्तों Vivo T3 Pro स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे OnePlus Note CE4 स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ OnePlus के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से तो दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें AMOLED पैनल मिल रहा है, भी अच्छी बात है, एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना भाई, देखने में लगे हाँ यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहां पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जरूर से जाइए। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 14 के साथ में आते हैं, जिसमें कि Vivo का फोन फनटच 14 पर बेस्ड है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus का फोन ऑक्सीजन OS 14 पर बेस्ड है। जी हां दोस्तों, ये फनटच 14 थर्ड पार्टी है, फोन में जरूर से देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। और चिपसेट की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स के अंदर हमें Snapdragon 7 Gen 3 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। और आपको बता दूं दोस्तों, ये जो चिपसेट है ना भाई, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में एकदम बढ़िया है। भाई एकदम बढ़िया वाली गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यार अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और जो इनका कैमरा सेटअप है ना बिल्कुल सेम है, यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों, दोनों फोन्स का जो मेन कैमरा है ना भी 50 मेगापिक्सल का, भाई सही में यार एकदम बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। भाई सबसे पहले आप वीवो फोन के कैमरा सैंपल देखिए कि इसके मेन कैमरा ने डिटेलिंग को कितनी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया है। भाई इसके कैमरा सैंपल देखे मेरा दिल बिल्कुल खुश हो गया। लेकिन भाई दूसरे तरह दोस्तों, OnePlus का मेन कैमरा भी कोई कम नहीं है भाई, क्योंकि इसके मेन कैमरा ने ना डिटेलिंग को बहुत ही ज्यादा बारीकी वाले तरीके से कैप्चर किया है। यहाँ पर इसका मेन कैमरा भी काफी ज्यादा बढ़िया है, लेकिन स्टिल अगर मुझे इनमें से किसी एक को चूज करना भाई मेन कैमरा के हिसाब से, तब मैं यहाँ पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जाना चाहूंगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। और अब बारी आती है दोस्तों फ्रंट कैमरा की। तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। भाई सेल्फी लवर के हिसाब से यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, अच्छी सेल्फी फोटो यहाँ पर दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा आपकी क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक कर सकते हैं। बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो दोनों फोन्स यहाँ पर 5500mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आ रहे हैं। और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो भाई वीवो का फोन 80W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ OnePlus फोन 100W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। भाई बैटरी के हिसाब से दोस्तों दोनों फोन्स के साथ में आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप काफी इजिली मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन स्टोली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया, लेकिन दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स के भी साथ में आते हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो आपको बता दूं कि दोनों फोन्स के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 25,000 रुपए। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भाई इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए दोस्तों दोनों फोन्स यहां पर भाई एकदम टॉप लेवल स्पेसिफिकेशंस के साथ में आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन चाहिए तब आप वीवो की तरफ जाइए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी मेन प्रायोरिटी भाई फ्लैट डिस्प्ले है ना, साथ ही साथ OnePlus की ब्रांडिंग वगैरह, ब्रांड वैल्यू मैटर करती है आपके लिए, तब आप यहां पर डेफिनेटली OnePlus की तरफ ही जरूर से जाइए।